हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप सबको पता है, हम प्रैक्टिस सेट्स लेकर आ रहे हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट्स लेकर आएंगे। कल हमने पॉलिटी का एक 15 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट्स अपलोड किया था और आज हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट्स करते हैं। जीव विज्ञान के चैप्टर का नाम है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम इसके क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? वसा है, शर्करा है, विटामिन है, प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? यानी 4 ऑप्शन में से 3 एंजाइम ऐसे हैं जो मानव तंत्र में पाचन का कार्य करते हैं और एक एंजाइम ऐसा है जो मानव तंत्र में पाचन का कार्य नहीं करता है। कौन सा है वो एंजाइम? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गैस्ट्रिन एंजाइम ऐसा है जो मानव तंत्र में पाचन का कार्य नहीं करता है। ट्रिप्सिन, टॉयलिन, पेप्सिन, इनका स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय ग्रंथि ट्रिप्सिन का स्राव करती है, लार ग्रंथि से टॉयलिन निकलता है और अमाशय द्वारा पेप्सिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। इसका आंसर है यकृत में। जो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में भंडारित हो जाता है। शरीर को जरूरत पड़ने पर वह ग्लूकोज में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? अग्नाशय है, यकृत है, लार ग्रंथि है, अधिवर्क ग्रंथि है। इसका आंसर है यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत इस जो 15 से 22 सेंटीमीटर लंबी एवं चौड़ी होती है और साथ ही साथ इसका भार 1.5 किलोग्राम के लगभग होता है, इसलिए ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वेरी कन्फ्यूजन क्वेश्चंस। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? इसमें यह पूछा गया है पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न अंगों में से पित्त रस का संचय किस में होता है? देखिए दोनों क्वेश्चनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, पित्त रस का संचय कहाँ होता है, संचय स्टोर यानी वो रहता कहाँ पर है? पित्त रस पित्ताशय में रहता है लेकिन पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। दोनों क्वेश्चन में बहुत बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसके पाचन को प्रभावित करता है? यानी जिसे बोलते हैं हम पित्त की पथरी होती है जो, वो उसके होने से किस चीज़ के पाचन पर प्रभावित पड़ता है? प्रोटीन पर, वसा पर, कार्बोहाइड्रेट पर, न्यूक्लिक अम्ल पर। पथरी के होने से वसा पर प्रभाव पड़ता है, वसा का पाचन प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? पेप्सिन, लैक्टस, यूरियस, जाइमेस। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित करके एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमी होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। इसका आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। शरीर को कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें सुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है, इसलिए यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। अतिरिक्त ग्लूकोज भी ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? स्टार्च एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो लार की सहायता से पच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है?
इसका मतलब है शरीर के अंगों में किसी एक की उत्पत्ति को हम यकृत का कार्य बोलते हैं। लाइपेज, यूरिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। यूरिया यकृत का कार्य है, यूरिया का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। एंजाइम रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाते हैं। एंजाइम रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। एंजाइम एक है, विटामिन है, बायो उत्प्रेरक है, बैक्टीरिया में वायरस है। जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है, तो इसीलिए एंजाइम को हम एक बायो उत्प्रेरक के रूप में पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग की बात हो रही है यहाँ पर, किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। वैसे तो मानव शरीर में पाचन का कार्य मुंह से ही आरंभ होकर के बड़ी आंत तक चलता है, लेकिन अधिकांश भाग का छोटी आंत में होता है। लास्ट क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है, C6H12O6। अगर हम इस पर जाइमेज की रिएक्शन कराएं तो ये जाइमेज को एथेनॉल C2H5OH में परिवर्तित कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। यह रहा हमारा आज बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के प्रथम चैप्टर पाचन तंत्र का प्रैक्टिस सेट्स, 15 क्वेश्चनों का। इसी तरह डेली प्रैक्टिस सेट्स करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। हमारे चैनल का नाम है कॉम्पिटिशन GS स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग्स।